कानपुर के चकेरी क्षेत्र में जीका के 15 नए संक्रमित और मामले सामने आए हैं। वहीं क्षेत्र में अब तक 123 जीका मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर बेचैनी पैदा हो गई है। वहीं 37 मरीज नेगेटिव हो चुके हैं। आपको बता दें एक्टिव केस अब 86 हैं। संक्रमित मिलने के बाद सीएमओ ने चकेरी क्षेत्र के सोर्स रिडक्शन में लगी टीमों के प्रभारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें सैंपलिंग का दायरा बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। 15 जीका संक्रमितों की सूची शनिवार को जारी कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें चकेरी क्षेत्र के 12 मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। अभी सैंपलिंग और सोर्स रिडक्शन का काम इसी क्षेत्र में चल रहा है। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरत पड़ने पर टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कानपुर में लगातार जीका वायरस का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। खतरा लगातार जीका वायरस का बढ़ रहा है। 15 और नए संक्रमित मरीज जीका वायरस के कानपुर में मिले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों में बेचैनी पैदा हो गई है क्योंकि लगातार कानपुर में जीका वायरस का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन रोज जो है वो मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही गर्भवती महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि डेंगू वायरस फीवर के साथ साथ जीका वायरस भी अपने चरम पर है और ऐसे में हर रोज़ाना बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा रखा है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से देखा जाए कानपुर में जीका वायरस का कहर ज्यादा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अभी कैसे हालात हैं और कितने मरीज हैं वहां पर जीका वायरस के? जी बिल्कुल, देखिए कानपुर में जीका वायरस के मामले फिलहाल कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अब तक अपडेट दिया गया उसके अनुसार जो जीका वायरस के रोगी है वो हफ्ते से 10 दिन के अंदर निगेटिव होते जा रहे हैं। लेकिन अगर साफ सफाई की बात की जाए या प्रशासनिक अमले की तत्परता की बात की जाए तो वो उतना तत्पर फिलहाल अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल आशीष, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग रोकथाम के लिए जीका वायरस के लिए क्या कुछ कर रहा है? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग के पास जो सीमित संसाधन है उनके सहारे जो है एक थोड़े से क्षेत्र को उन्होंने जो है कंटेनमेंट जोन बनाकर उस पर साफ सफाई की व्यवस्था की, फॉगिंग की व्यवस्था की है, दवाइयों की व्यवस्था की, ट्रैकिंग की व्यवस्था की है। ये सारी व्यवस्थाएं एकमात्र सीमित दायरे में की गई है। लेकिन कानपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कानपुर के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब तक स्वास्थ्य विभाग की नजर नहीं पड़ी है, जहां पर अब तक ट्रेसिंग नहीं हुई है, जहां पर अब तक जांचें नहीं हुई है। यानी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर बड़े पैमाने पर जाँच की जाए तो एक जीका वायरस के और भी बड़े मामले निकलकर सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल आशीष, और अगर देखिए जिस तरह से देखा जाए डेंगू और वायरल फीवर के तो उत्तर प्रदेश में मामले सामने ही आ रहे थे, लेकिन अब कानपुर ऐसा अकेला जिला बना हुआ है जहां पर जीका वायरस का सबसे ज्यादा कहर देखा जा रहा है, तो रोकथाम के लिए जीका वायरस के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आम पब्लिक में इसके प्रति अवेयरनेस अब तक नहीं हो पा रही है। अगर जिला प्रशासन को अगर इस पर रोकथाम लगानी है, पूरी तरह से रोक लगानी है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस के कार्यक्रम आयोजित करने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये जीका वायरस है ये मच्छरों से जनित बीमारी है और इसको रोकने के लिए मच्छरों को एकत्रित होने से रोकना होगा। यही एक सबसे बड़ा फार्मूला और इसके तहत जो है जिला प्रशासन वर्क कर रहा है लेकिन पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा है। जी चलिए ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर में जीका वायरस का कहर लगातार बना हुआ है। आपको बता दें जीका वायरस के 15 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भले ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हों रोकथाम के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कानपुर में जीका वायरस के मामले दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं।